हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन मल्टीबैगर मिड कैप स्टॉक के बारे में। अगर तीनों मिड कैप स्टॉक अगर आप लोगों के पास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो लोग इनमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं, प्लीज़ फ्रेश बाइंग करने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देख लेना। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा कि कौन से लेवल पर कितना अमाउंट आपको बाय करना चाहिए, वो भी लॉजिक के साथ। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके तीनों स्टॉक का हम कवर करते हैं और कौन से स्टॉक में क्या नेगेटिव पॉइंट है, क्या पॉजिटिव पॉइंट है, वो भी हम जरूर कंसिडर कर लेते हैं। तो चलते हैं स्टॉक के ऊपर। उनमें से पहला स्टॉक है दोस्तों हमारा IRCTC। तो IRCTC में आप देख पा रहे होंगे आज के दिन तो पूरे बाजार में करेक्शन था, लगभग 1.5% के आसपास के करेक्शन। लेकिन एक साल वाले को दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साल वाले को अच्छे खासे उनके पैसे डबल हो चुका है। प्रॉब्लम उनको हो रहा है दोस्तों, प्रॉब्लम जो लोग एकदम चलती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश की, जो लोग एकदम टॉप पे बाय किया। आप लोगों को पता है कुछ टाइम पहले स्टॉक बहुत ही रॉकेट की तरह भाग चुके थे। जब इसकी स्प्लिट होने से पहले स्टॉक 6400 तक भी टॉप लेवल बना चुके थे। तो जिन्होंने टॉप पे बाय किया दोस्तों, अगर आपने टॉप पे भी बाय किया, चलती हुई ट्रेन को भी पकड़ लिया, तो कोई बात नहीं। आपके पास ये स्टॉक अगर है टॉप लेवल पे बाइंग है, 1280 की इसकी टॉप लेवल है, उस टॉप पे भी बाइंग है, कोई गलत स्टॉक आपके पास नहीं है। आप बिंदास कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत एक नया स्टॉक है दोस्तों, 2019 से लिस्टेड हुए, रफली देखा जाए दोस्तों 2 से 2.5 साल हुए, 3 साल मान सकते हो। 3 साल में स्टॉक इतने करेक्शन होने के बाद भी 400% के आसपास के रिटर्न और साथ में स्पीड भी देख चुके। अगर आपको टॉप पे बाएंगे बार बार करते दोस्तों, प्लीज़ लॉस में बेचना। आप चाहो तो इस बार की जो रिजल्ट है, रिजल्ट देख के आप चाहो तो अकाउंट भी कर सकते हो, अगर आपके पास फंड है तो। लेकिन आपने जितने भी अमाउंट लगे लॉस में बेचना दोस्तों। IRCTC जैसे स्टॉक अगर आप लॉस में बेच दोगे तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप बाजार में टिकना आपके लिए बहुत ही मतलब मुश्किल हो सकता है। मैं इतना कहना चाहूँगा, कमाल के स्टॉक है, आप बिंदास कंटिन्यू कर सकते हो। और जिनको फ्रेश बाइंग करना है प्लीज़ बने रहना, मैं जरूर बता दूंगा कौन से लेवल आपको बाय करना सही रहेगा। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा और एक मोनोपोली स्टॉक है दोस्तों, मोबाइल मैन्युफैक्चर में अगर कोई चाइना को टक्कर दे सकता है दोस्तों, ये डेक्सॉन टेक्नोलॉजी। और इसको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल चुका है। सो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो एक साल वाले उनको भी प्रॉब्लम नहीं है, लगभग 3% प्रॉफिट। एक साल भी शॉर्ट टाइम माना जाता है, लेकिन फिर भी वो अच्छे खासे प्रॉफिट होने के बाद वो प्रॉफिट जा चुके हैं। अब उनको मतलब 3% की माइनर प्रॉफिट आप बोल सकते हैं ऐसे। लेकिन जिन्होंने टॉप पे बाय किया, इसके लगभग टॉप है 6250 के आसपास, जिन्होंने एकदम टॉप पे बाय किया एकदम लास्ट डेट पे, मैं इतना कहना चाहूँगा आप बिंदास होल्ड करना दोस्तों। जब ये भागते रॉकेट की तरह भागते, उसके एग्जाम्पल आप देख पाएंगे दोस्तों। जैसे बहुत अच्छे खासे 2020 के बाद इतने अच्छे खासे रैली दिखाए, लगभग अभी भी इतने गिरावट होने के बाद 700% के रिटर्न। स्टॉक दोस्तों 2000 से स्टॉक ने 22000 की मतलब जर्नी दिखा चुके थे। उसके बाद स्प्लिट जैसे एक्टिविटी होने के बाद स्टॉक हमें सस्ता देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी एक अच्छे खासे रैली दिखाए, लगभग 6250 तक वो जा चुके थे और बाजार में करेक्शन आया। और पिछली बार वो नंबर आया था वो फ्लैट थी, इस वजह से करेक्शन देखने को मिला है। कमाल की कंपनी दोस्तों, मोनोपोली स्टॉक है दोस्तों, कमाल की कंपनी। आप गलती से भी लॉस में बेचना, जब भी भागते एक एक दिन में 8 और 10% भागते, आपके जो लॉस है वो कुछ ही 2 दिन में कवर हो जाएगा। मैं इतने कहना चाहूँगा कमाल की कंपनी बिंदास होल्ड करना। देन लास्ट स्टॉक है हमारा दोस्तों, लास्ट और आखिरी स्टॉक है जुबलैन फूड कोर्ट लिमिटेड, कमाल की कंपनी दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्वेरी इन स्टॉक को लेके, क्योंकि इन स्टॉक ने एक साल में तो दोस्तों मैंने जो आप दोनों को स्टॉक दिखाया IRCTC और डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, उसमें तो प्रॉफिट हो रहा है, इनमें तो दोस्तों लॉसेस हो रहे हैं वो भी कमाल के। सो दोस्तों आप देख पा रहे हो 40% से ज़्यादा के करेक्शन मतलब देखने को मिल रहा है एक साल वाले को, मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है जिन्होंने एकदम टॉप पे बाय किया। और सेम चीज़ें जिन्होंने थोड़ा सा लंबा खेला 5 साल की जर्नी, उनको एक बार स्प्लिट भी मिल चुका है और 400% रिटर्न अभी मिल रहा है, जब स्टॉक आधा हो चुका है, मतलब स्टॉक आधा होने के बाद भी 400% से ज़्यादा का रिटर्न मिल रहा है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर जुबलैंड फूड आपके पास आप बिंदास होल्ड करना दोस्तों, कमाल की। उम्मीद करता हूँ आप लोग को स्प्लिट भी मिल चुका है 1 के बदले 5 शेयर के, आपके पास कमाल के स्टॉक है दोस्तों, आप बिंदास होल्ड कर सकते हैं। और मैक्सिमम ग्राफ दोस्तों मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी करेक्शन हो चुका है, 70% की करेक्शन हो चुका है। और जब ये भागते दोस्तों रॉकेट की तरह भागते, 700-800% आपको 5-5 साल में इजीली दे देता है। दोस्तों इसकी मैक्सिमम ग्राफ देखने दिखाने की मेरी मतलब ये है दोस्तों कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए, इससे पहले भी करेक्शन हो चुका है। ये करेक्शन आप देख लेना 2018 के बीच में लगभग 70% के आसपास, यहाँ पे भी हो चुका है लगभग 40% से ज़्यादा, और कोविड में तो और अच्छे खासे, और यहाँ पे भी हो चुका है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जुबलैन फूड, डेक्सॉन टेक्नोलॉजी और IRCTC कमाल की कंपनी दोस्तों, ऐसे स्टॉक लॉस में बेचोगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आपको, और भी स्टॉक में अगर आप निवेश करोगे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आप हो सकता है, क्योंकि ये कमाल के स्टॉक है दोस्तों, मोनोपोली स्टॉक है, इनके कोई मतलब अगेंस्ट कोई नहीं है, कमाल की कंपनी बिंदास होल्ड कर। तो बस पॉइंट ये कि जो रिटर्न देगा वो कमाल के 5-5 साल में आपको मल्टी अगर बना देगा, और गिरावट के टाइम भी ऐसा होगा, लेकिन गिरावट का मतलब ये नहीं कि स्टॉक खराब है। मैं इतना कहना चाहूँगा, सारे स्टॉक अगर आप लोगों के पास है आप बिंदास होल्ड करके बेझिझक बिंदास जा सकते हो। अब पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, अभी तक रिजल्ट डेट डिक्लेयर नहीं हुआ, जैसे डिक्लेयर होगा मैं आपको जरूर बता दूंगा। और अब आते हैं उन पॉइंट के ऊपर जिनको फ्रेश बाइंग, दोस्तों फ्रेश बाइंग के लिए लेवल तो बहुत ही कमाल के, लेकिन आप अपने एक बार खुद से स्टडी जरूर कर लेना
मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कमाल के स्टॉक है। अगर आपके लॉन्ग टाइम विजन है तो कमाल के स्टॉक, और कंपनी के ऊपर आपने स्टडी किया, भरोसा है, तो अभी इस लेवल पे आप बाय करके जा सकते हो। लेकिन मैं कोई आपका रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। सो तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। लेकिन इतना बार बार कह सकते हो, 5-स्टार कंपनी है तीनों के तीनों, फ्यूचर में कुछ ही दिन बाद, कुछ साल बाद आप देखोगे ये स्टॉक मल्टीबैगर बन चुके हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा करेक्ट लेवल है, आप चाहो तो स्टडी करके बाय करके जा सकते हो। सो तो वीडियो इतना, फिर भी वीडियो में कोई भी अच्छा लगे वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो तो मिलते ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।